पार्किंग में पहुंच गए और हमारी गाड़ी यहाँ पर आ गई स्कोडा कुशाक। और ये देखो मोटर बीम टीम जिस काम से आई है वो है यहाँ पे खाना पीना ही करने। और हमारे सामने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आ गए अपने और आपकी एक्स ने मिलकर कितना परेशान थी। अभी सैटरडे है, ये पैकेज आया हुआ है। थिंग इज कि मैं कहीं जा रहा हूँ जिसके लिए पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया लिमिटेड। ना ही स्कोडा ने भेजा है ना ही फोक्सवैगन ने भेजा, तो भेजा किसने है भाई? अरे उनकी ग्रुप कंपनी ने भेजा है। तो अभी ऑलमोस्ट जनवरी 8 हो रही है और बहुत ज्यादा ही मैं बिजी होने वाला हूँ नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए, जिसके चक्कर में मैं आज बैठ के पूरी फुटेज बैकअप ले रहा हूँ। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन यू नो कितने ब्लॉग्स में एडिट कर पाऊँ, एक हाथ से तो होने नहीं वाला, तो इसको जरा नीचे रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर इज एन एटीट्यूड, तो आप समझ ही गए हो ये बैग कहाँ से है, मतलब लोगो ही दिख गया है। एनीवेज दिस इज एक्चुअली अ जैकेट। हाँ ये जैकेट ऑडी ने भेजा है क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा ठंड में जाने वाले हैं, जिसके लिए ये जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको पहनते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं तो आज डीकैट जाके -10 वाला जैकेट लेने वाला था। थोड़ा बहुत इश्यू हो गया, जैकेट में नाम बहुत लूज है मेरे लिए क्योंकि मैं यूजुअली एल पहनता हूँ, लेकिन ये मतलब एल में भी अलग टाइप के होते, तो मुझे एम चाहिए होगा। बाय द वे ऑडी ने एक लेटर भी लिखा है, उसमें लिखा है डियर फैसल और एक इन्विटेशन है, यस इट्स टाइम टू गो ड्रिफ्टिंग इन आइस ऑन आइस रादर इन द स्नो। तो बेसिकली ये हम प्लॉट देखने आ गए हैं और ये है लगभग आई थिंक 1600 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट, काफी डिसेंट है साइज के मामले में, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ही चिंटू मिंटू लग रहा है मुझे। लेट है आज हम ऑफिस आए थोड़ी बहुत काम के लिए और देखो यहाँ पे बाइक चोरी हो रही है, मतलब कि रोड के बीच में ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ है, वो सब ठीक है बट एनीवेज व्हाट टू डू, हमें उठाने का ड्यूक्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेग रूम किक्ड इन यो, यस। तो बेसिकली फ्लाइट डिले हो गई है, डिले इसलिए हुई है क्योंकि जो दिल्ली से यहाँ पे फ्लाइट आएगी वहाँ पे फॉग के चक्कर में लेट हो गई है। अब इसका मतलब हमारी फ्लाइट डिले हो गई फालतू की, यार मुझे लगा कि आराम से 10 बजे की फ्लाइट लेंगे, चिल करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये बकचोद साले लोग ये करते हैं, पहले यहाँ से वहाँ करेंगे फ्लाइट डिले करेंगे। बहुत प्रॉब्लम इंडियन एविएशन में यार। दिल्ली पहुंच गए हैं, यहाँ पे कार्टून नेटवर्क है ना एक्चुअल में बना के रखा हुआ है, ये देखो सब हिल विल रहे हैं, आवाज कर रही है, जानवर वानवर, अच्छा मनोरंजन है। हाँ हाँ मैं डर गया। अबे तू सर हिला, गुड बॉय। ये बच्चों को एंटरटेन करने के लिए या डराने के लिए समझ नहीं आ रहा। घुसा दो इसको, इसके मुंह के अंदर फोन डाल दो, बेचारे को घूमने दो ना, सर घुमा रहे अच्छे से मंडी। हाँ मेरा नाम है शाका, मैं सबको डराता हूँ। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। पार्किंग में पहुंच गए और हमारी गाड़ी यहाँ पर आ गई स्कोडा कुशाक, सिल्वर कलर की, व्हील्स बहुत सेक्सी लग रहे हैं, बट आई हैव नो आइडिया ऑटो या मैनुअल। ये तो है ऑटोमेटिक, चलो अच्छी बात है क्योंकि नहीं चलाएगी ना, बट उसको मैनुअल पसंद है। Few moments later. फ्लाइट डिले के चक्कर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स जाती है। एक्चुअली मेरी मीटिंग थी 4 बजे, फिर 5 बजे, ये सब मुझे कैंसिल करनी पड़ी और डिले करनी पड़ी क्योंकि फ्लाइट डिले हो गई। अभी ये कुछ खाने जाने बहुत भूख लग रही है। ट्रैफिक सिचुएशन इज रियली टेरेबल। तो बेसिकली इस रेस्टोरेंट में जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करो ना, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री, ये आई थिंक बैंगन है, ये राजमा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। हमने सिर्फ यही ऑर्डर किया, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बात है। तो फाइनली हम अपने एयरबीएनबी पहुंच गए और काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद हम फाइनली रूम के अंदर चेक इन कर दिए। स्ट्रगल क्योंकि यहाँ पे ना की कार्ड लगता है, की कार्ड रूम में था तो किसी की उंगली हमने लगाई तो हम लिफ्ट के एक्सेस कर पाए, वरना आ नहीं पाते। काफी कोजी और अच्छा है, वेरी स्मॉल, इन फैक्ट यू वोंट बिलीव इट, हम हैं 25th फ्लोर पे। अगर मैंने यहाँ पे बाहर चला गया ना तो नूरेन मेरा मर्डर कर देगी, बोलेगी कि एक क्यों इतना प्यारा है, क्यों गए बाहर और अंदर गंदी हवा ले आए। बाहर वाला क्या चीज, जहाँ से चाबी निकाली वो उंगली वाला, द कोड यार। अच्छा हाँ, सबको बता दूंगा तो सब लोग आ जाएंगे यहाँ पे रहने, बात तो सही है। और 2 घंटे बाद हम वापस निकल रहे हैं मुंबई के लिए नहीं, बट हमने कहीं होटल वोटल बुक किया है बिकॉज अरे ये क्यों अटक जाता है, बहुत ज्यादा ठंडी है और यहाँ पे हीटर नहीं था तो हालत खराब हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा सेहत सबसे पहले, बाकी सब बाद में देखेंगे। ये लोग बोनेट खोल के क्या माल देख लेते अंदर। The next day. Good morning. Auto export time हो गया है। मैं सुबह actually उठा हूँ 5 बजे। कल मैं 9:30 हो गया। उल्टी पुल्टी करके क्योंकि food poisoning होगी मुझे। Blessing in disguise. ताकि मैं जल्दी सो जाऊँ। And हम अच्छे से रूम में, लेकिन रूम अच्छा नहीं रखा। यूनो ना नो रहने सो मैसेज ने इधर उधर सब फेंक फेंक के रखा हुआ है। And अभी the thing is कि ये ऑटो एक्सपो में स्पीच देने वाली है। क्यों नो रहे, क्या स्पीच देने वाली है? देखो ऐसे कौन ड्रेस होकर जाता है एकदम फुल ऑन कोट बोर्ड पहन के। Going to auto expo. I'm super excited. I don't know what to wear. I don't know what to do. I'm like ठंड होने वाली, तो अंदर थर्मल पहन, ऊपर जैकेट पहनूंगा, ये भी पहनूंगा। मैं पिंक का पहनता हूँ और तुम तो ऊपर से तो राजरानी रख रही हो, नीचे से कैंपस शू पहनोगे तो बाकी तो आप समझ जाइए, समझ जाते ही हो। मैं
मैंने इसलिए तुम्हारे पिंक शूज ऑलरेडी पहले बोल दिया, बिकॉज़ आई न्यू दिस वाज कमिंग, आई न्यू दिस वाज। मेरे पास पिंक शूज है नहीं, मैंने कब का उनको वो करके रखा हुआ है। मैंने फेंका, फेंका नहीं, म्यूजियम में डाला हुआ है। तो ऑटो एक्सपो के लिए हम निकल गए हैं। फनी चीज बताऊं, 10 साल पहले ना, नॉट 10 बट 13 14 साल पहले जब मैंने ऑटो एक्सपो अटेंड किया था पहली बार, मैं सुबह को आया और शाम को वापस चला गया, क्योंकि कॉलेज से छुट्टी वुट्टी तो मिलती नहीं थी, इतना बजट बजट भी नहीं था कि होटल वोटल में रह रहे वगैरह था, वो भी नहीं था शायद से। मैं सुबह को 5 बजे की फ्लाइट लेता था, घर से निकलता था 3 बजे और वापस आता था घर रात को 1 बजे, फिर पूरे 4-5 घंटे बैठ के सब कुछ आर्टिकल वार्टिकल पिक्चर्स विक्चर्स अपलोड करके सोता था, मतलब 24-25 घंटे नॉन स्टॉप काम। इसी के चक्कर में ना एजिंग वेजिंग हो गई। अब तो अपनी ये मिल गया, पास मिल गया है इसका, और यहाँ पे हमने लगा दी पार्किंग वाला पास। तो ऑटो एक्सपो पहुंच गए, मोटरबीम चला रही है तीनों गाड़ियां, मतलब हम ये चला रहे हैं मोटरबीम से, लोग ये चला रहे हैं और ये चला रहे हैं, हमारी i20 एन लाइन प्यारी सी, ये अलग गाड़ी बाय द वे हमारी वाली बॉम्बे में है, स्कोडा कुशाक और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 4 एक्सप्लोरर, तो ये 4-व्हील ड्राइव है ऑफ कोर्स। तो बेसिकली हमने ऑटो एक्सपो ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया है, आधी गाड़ियां कवर्ड है, लेक्सस का काफी अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है ना, बहुत ही ठंडा एक्सपो, टेम्परेचर में नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं इस बार, मतलब यहाँ पे सोचो अतुल ऑटो वोटो ये सब, ग्रीस रिच मोबिलिटी ये सब पहुंचे मेन स्टॉल में, जहाँ पे मारुति का होता है यहाँ पे यूजुअली पूरा भरा रहता था इंटरेस्टिंग कार्स के साथ, लेकिन ऑटो एक्सपो गया। और ये रही ग्लांजा मस्किटो एडिशन, इसमें ना कॉम्प्लीमेंट्री मस्किटो आते हैं, ऐसे ना सब लगे हुए हैं खुशी खुशी। बाय द वे क्या राइस करके रखा है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है। टाटा के स्टॉल आ गया, उन लोग ने मुझे ये पहनवाया है, बोलते कि तुम हमारा स्टॉल गंदा कर दोगे, तो हम वो पहन के घूम रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ वही हैं, ऐसा लग रहा है वही वही है, कुछ नया नहीं है। करो हग वंस अगेन फॉर द कैमरा, ऐसे बचपन के बिछड़े दोस्त एक ही टाइप के कपड़े पहन के आए हैं। दिस इज आरुषि, दिस इज नूरेन। इसको इतनी ठंड लग रही है, इसने 3 सॉक्स पहने हैं, इसने 3 सॉक्स पहने हैं, दिल्ली से है, व्हाटएवर। तो भैया जिस काम से आए वो हो गया, हमें खाना खाना था, तो मारुति ने हमें ये डिब्बा दिया जिसमें खान पीन है। भूख बहुत लग रही है एक्चुअली, कल डिनर नहीं किया ना। ये देखो महिला मंडल, गाड़ी देखने आए या फोटो खींचने, और ये देखो मोटरबीम टीम जिस काम से आई है वो है यहाँ पे खाना पीना ही करने, शूट वूट तो भूल जाओ, बस खा पी रहे हैं ये लोग। या आई ऑलरेडी एट, क्या बोल रहे थे आप? गगन आते ही पैसे गिनने लग जाता है, ऐसे मैंने सुना है, इन लोगों ने बोला है। और हमारे सामने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आके, कैसा लगा आपको इंडिया के? आपके सब रियाल ही होंगे पॉकेट में? बीस रियाल अगेन, पुअर पीपल, इंडियन पीपल। जाके बोला मेरे पास 200 रुपए थे इंडिया के, तो बोला वो रोशनी मांगती हर बार करेंसी, मैं उसको बोला इसमें कुछ आएगा तो दे दे भाई रियाल का, तो बोलता एटीएम से निकाल ले चुपचाप निकल। ओके, रजनी चौधरी इन द हाउस, बोलिए आप कुछ बोल रहे थे। इतना झूठ नहीं बोलना था, इतना झूठ नहीं बोलना था, ये हम काट देंगे। कोर्ट में की है, मैंने तो साइन भी नहीं किया। अच्छा कोविड में, कोर्ट में की शादी, ये कब? हाँ अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे ना, कुछ अच्छा अच्छा बोल दो, क्या कुछ अच्छा बोल दो, अच्छा क्या बोल, जैसे आप पहले बोल रहे थे ना कुछ अच्छा। बोलिए 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 बोलिए, अरे बस हंसती रहती है, कुछ बोलो, खुद के यूट्यूब चैनल पे इतना बोलती है, यहाँ पे तो लाफिंग गैस लीक हो गया ऐसे लग रहा है। कॉन्ट्रोवर्शियल मत बोलो ना। अच्छा ये बताओ क्लिक बेट कैसे करते हैं? क्लिक बेट कैसे करते हैं, देखो जो भी चीज आप दिखा रहे हो ना उसको डायरेक्ट मत बताओ, उसको इनडायरेक्टली बताओ। जैसे लैंड क्रूजर है, आप लैंड क्रूजर मत लिखिए, आप लिखिए कि 4 ईयर का वेटिंग जिस कार के ऊपर है वो कार आपको दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो का टाइटल आप रखो के रजनी चौधरी का पर्दाफाश। डन 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 डन, बताओ क्या बात हो रही है? आपकी एक्स की बात कर रहे हैं कि आपने और आपकी एक्स ने मिलके मुझे कितना परेशान किया। ओह माय गुडनेस, वेयर इज माय एक्स, आई कांट फाइंड हर। और आगे जैसा हो ना मुझे बताना, आई विल मेक यू। वन मोर कंट्रोवर्सी इनकमिंग। बोलो 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 वापस, ये लोग कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलते, बस हंसते रहते हैं पागल जैसे। नहीं नहीं आप बताओ ना। आपके बड़े बड़े फैंस आपका वेट कर रहे हैं, आपकी बहन से वार्तालाप कर रहे हैं हम लोग पूरे ऑटो एक्सपो में। मैं वहाँ शूट कर रहा हूँ, मुझे एक आवाज आ रही है, मतलब लाउड स्पीकर की नहीं आवाज बोल रहे हैं इस बंदे, नूरैन बोल रही है। इसमें ये क्या हो गया कि ये एलईडी है और ये है टायर का प्रोफाइल कैसा है, हमें मेन तो सस्पेंशन देखना है ना। नहीं नहीं ये बताना होता है वीडियो में, क्यों बताना होता है, नहीं बताना होता है, पहले आगे से बताओ, फिर साइड से बताओ, फिर कुछ से बताओ, फिर बूट में जाओ, फिर फ्रंट में आना। रजनी चौधरी एक्सपो, आप फिर फैजल सर को देख देख के ना जो मुझे रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, हम थोड़े प्रो हैं। थोड़े नहीं, आप तो बहुत प्रो हो गए। एक इंट, हाँ एकदम सही, कैसे हैं आप लोग, इतने प्यार से बोलते हैं, सब बोलते हैं, फिर पीछे पड़ जाते हैं लोग, फिर बोलते हैं कि क्यों पीछे पड़ गए। आपको बोलना चाहिए अपने भाई को कुछ करने के लिए, बताओ। क्या करना, इनको बचाओ कंट्रोवर्सी से। तो फाइनली हम ऑटो एक्सपो से निकल गए हैं, यहाँ पे महिंद्रा वाले थोड़ा खेल बेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है।
डोंट यू प्रेफर दिस कार ओवर दिस कार? आपको पता नहीं रोड के ब्रांड एम्बेसडर है? एवरी माइक यू बाय ही गेट्स अ कमीशन। कितने लोग यहाँ पे? आधे लोग तो खाना खाने आए हैं, देखो फुल ऑन वेकेशन वेकेशन चल रही है।